भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा को लेकर महम के विधायक बलराज कुंडू की ओर से 22 मार्च को रखी गई रैली पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने बड़ा बयान दिया है। कंवर पाल गुज्जर ने कहा कि वे आजाद विधायक हैं, लेकिन जिस बात पर उन्होंने समर्थन वापस लिया था उसका कोई औचित्य नहीं था। गुज्जर ने कहा कि हर बात की इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन यदि किसी शिकायत में कोई तथ्य नजर आए तभी उसकी इंक्वायरी करवाई जाती है। इससे पहले भी सरकार ने कई मामलों में बिना किसी शिकायत के भी इंक्वायरी करवाई है। कंवर पाल गुज्जर ने और क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। देखिए, वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने पहले हमें समर्थन दिया था और बाद में अपना समर्थन वापस ले लिया। जिस बात पे समर्थन उन्होंने वापस लिया उस बात का कोई औचित्य था ही नहीं। जो सिरे के रेट के बारे में वो बात करे, अगर सिरे का रेट पंजाब में भी वही है और सिरे का रेट अगर उत्तर प्रदेश में वही है और वही हरियाणा में है तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? कोई आदमी इस बात की जिद करेगा नहीं। जिसकी इंक्वायरी कराओ तो हर बात के लिए अगर कोई कहेगा कि इंक्वायरी कराओ तो संभव नहीं है ना जी। कोई उसमें तथ्य नजर आने चाहिए ना जी, लगना चाहिए कि भाई इसमें कोई गड़बड़ है, वाकई किसी ने कोई कुछ किया तो इंक्वायरी कराएंगे निश्चित तौर से। और वर्तमान सरकार तो ऐसी है कि अगर कहीं भी उसको पता भी चला तो मेरे हल्के डिमांड के बिना भी इंक्वायरी कराई मैंने, तो हम इंक्वायरी तो कराएंगे अगर कहीं नजर आएगा, लेकिन अगर कहीं नजर ही ना आए तो फिर किस बात की। वो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात लेकर एक रैली कर रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री हैं उनको उन पर निशाना साधते नजर आते हैं। देखिए, तो हर आदमी की अपनी पॉलिटिक्स है, वो स्वतंत्र है, वो किसी पे आरोप लगाने का वो करने का वो उसकी अपनी राजनीति है, चलता ही है इस प्रकार का। उसको तो किसी को रोक नहीं सकते, रैली करने से भी किसी को रोकते ही, उसका अधिकार है, वो कर सकता है रैली, लेकिन जिस बात को वो कह रहा है उस बात में कोई। कुंडू की रैली को लेकर भले ही शिक्षा मंत्री ने इसे उनकी राजनीतिक आजादी बताया है, लेकिन देखना होगा कि हरियाणा में राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने के बाद अब क्या कुंडू की रैली हो पाएगी। यदि नहीं तो फिर इस बार कुंडू का क्या बयान आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। भारत 9 के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।